हेलो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। बेल आइकन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा लेटेस्ट वीडियो का। थैंक यू दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए इंडियन आर्मी रैली जो कि गया में होने वाला है, ये 2018 में 4 तारीख से स्टार्ट है और 15 तारीख तक चलेगा। इंडियन आर्मी रैली का भर्ती जो कि गया में होने वाला है, BMP कैंप बोध गया में, जो कि अब डेहरी ऑन सोन में होगा। ये बात आप ध्यान से सुन लें, डेहरी ऑन सोन में होने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं आपको और बताता हूँ डिटेल से, जो कि आज से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला है, जो कि अप्लाई अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। और ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का समय आज से ही स्टार्ट हो चुका है, 27 तारीख से, 27 दिसंबर से ही। आप ज्वाइन इंडियन आर्मी .NIC.IN पर आप लॉग इन करके आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहला स्टेप यही आएगा, जो कि बार कोड रहेगा, जो कि आपको ये बार कोड जो लिखा हुआ है उसको डालना है। और आपके बाद इस तरह से कुछ साइट खुलेगा आपको, और जिनका भी इस तरह से साइट खुलेगा, थोड़ा सा साइट बिजी चलेगा आज से, क्योंकि और मैं बार बार कह रहा हूँ कि रैली जो है डेहरी ऑन सोन में होने वाला है, ठीक है दोस्तों, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पहले BMP कैंप 3 बोधगया में होने वाला था, लेकिन अब डेहरी ऑन सोन में होने वाला है। पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका है और मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, और आप ध्यान से सुनो, जो लोग जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखो, और वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए आपके सामने जो कि बार कोड डालिएगा तो आपको कुछ इस तरह का खुलेगा फाइल, उसके बाद JCO एंड अदर में आपको ये देखिए JCO एंड अदर अप्लाई लॉग इन में क्लिक करें। बहुत लोग ऑफिसर लॉग इन में क्लिक करें, उसमें आपको नहीं करना, वो दूसरे लोग के लिए है। इंडियन आर्मी रैली का जो SSC GD जैसे GD क्लर्क ट्रेडमैन्स टेक्निकल सोल्जर स्टोर कीपर ये सब है, इसमें आपको क्लिक करना है JCO एंड अदर में। ध्यान से देखें जो भी आपका रैली है वो BMP जो कि डेहरी ऑन सोन में होने वाला है, जो कि मेन लाइन है गया मुगल सराय के बीच में है। थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते हैं इधर तो रैली को टिक कर दिया गया है, पहले ही पेपर में दे चुका है, जो लोग जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो लोग नहीं जानते वो लोग ध्यान से देख लें। JCO एंड अदर में क्लिक करने हैं आपको, ध्यान से आप देख लें जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये देखिए JCO एंड अदर में आपको व्हाट्स नेम जो भी आपको एलिबिलिटी है आप चेक कर सकते हैं इसमें। और एडमिट कार्ड आ चुका है, जो कि फिजिकल आपका 4 तारीख से ही स्टार्ट होने वाला है डेहरी ऑन सोन में, 4 जनवरी 2018 से ही स्टार्ट होने वाला है आपका, जो कि 15 तारीख तक चलेगा, 15-16 तक चलेगा आपका रैली। और जो लोग तैयारी कर लिए उनकी अच्छी बात है, जो लोग तैयारी नहीं किए लोग जल्दी से तैयारी कर लें, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुका है, जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड कर ले जाकर एडमिट कार्ड को प्रिंट निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्वर भी हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। और किसी तरह को अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूले दोस्तों। बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है कि आप सवाल करते हैं लेकिन वीडियो को एंड तक देखते नहीं, और हमसे सवाल करते हैं मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, और आप आपसे रिक्वेस्ट हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखिए। जैसे ही अदर में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपका आएगा, जो कि आपका जो भी आपका है वो आप इसमें डाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको ध्यान से पढ़ लें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले आना है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ ठीक से। आप एफिडेविट ज़रूर करा लें, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आता है, लेकिन बिहार में सुनते हैं कि 100 रुपये से कम पर नोटरी को अलाव नहीं है करने का उस पर, लेकिन 100 रुपये का भी आप ले सकते हैं, नहीं 10 रुपये का ही मांगा जाता है, लेकिन आपको जो है अच्छा उस पर ही आप करवा सकते हैं। और ये देखिए आपको जो खुल जाता है जैसे ही अदर यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉग इन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा जो है जो कोड रहता है उसको डाल के आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कोई प्रॉब्लम हो डाउनलोड नहीं हो तो फॉरगेट कर सकते हैं, उनका ईमेल ID जो होगा उस पर पासवर्ड जाएगा, उसको रीसेट मार के फिर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कर सकते हैं, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, आप उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। और किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप कर सकते हैं मुझे लॉगिन, और सभी डॉक्यूमेंट का आप 2-2 कॉपी फ़ोटो कॉपी करवा लें ठीक है दोस्तों, 2-2 कॉपी फ़ोटो कॉपी आप करवा के ही लेके जाएँ तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको वहाँ आप दौड़ निकालें लेकिन आपको बाद में फिर निकाल दिया जाएगा, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट का 2-2 कॉपी जेरोक्स नहीं रहा तो। और फ़ोटो खास करके आप 20 पीस लेके ही जाएँ, 20 पीस फ़ोटो कम से कम आपको लेके ही जाना होगा, और सभी डॉक्यूमेंट जो जो आप ले जाएंगे उनका ओरिजिनल आपको लेके ही जाना होगा। ओरिजिनल यदि आपने नहीं ले गया और फोटो को भी तो नहीं ले गया और स्टाम्प पेपर नहीं ले गया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्यों ना आप दौड़ो निकाल भी लिए हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जिन लोगों को पता है उनके लिए अच्छी बात, जिन लोगों को नहीं पता है वो जान लें कृपया,
और किसी तरह भी कोई आपके मन में सवाल चला तो कमेंट में, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।